नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजभ्रत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, हमारी रीट 2019 शिक्षक भर्ती की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आज हमें जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो हमारा पार्ट है उसके अंदर आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो भी अधिगम टॉपिक है। दोस्तों, अधिगम टॉपिक मैंने कुछ हद तक करवा दिया है, काफ़ी कुछ टॉपिक जो है अधिगम के हो चुके हैं, कुछ पॉइंट रह गए होंगे वो हो जाएंगे, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है यानी 30 क्वेश्चन है जो इसके संबंधित है। तो दोस्तों, आपको वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है शुरू से लेकर अंत तक, जिससे आपको सारे क्वेश्चन और उनके आंसर्स मिल सके। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो कर दो अभी से लाइक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुभव या प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ये परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन है दोस्तों क्रो एंड क्रो, JP गिलफोर्ड, गेट्स और मॉर्गन वे गिलीलैंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है गेट्स, यानी गेट्स ने परिभाषा दी कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिवर्तन को अधिगम या सीखना कहते हैं, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? हिलगार्ड की, कोलविन की, वुडवर्थ की, वाटसन की। तो दोस्तों, इसका आंसर है ER हिलगार्ड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम की विशेषताएं, ए अधिगम सार्वभौमिक एवं जीवन भर चलता है, बी अधिगम विकास एवं परिवर्तन है दोनों, सी अधिगम उद्देश्यपूर्ण व सक्रिय, डी उग्र सभी। तो दोस्तों, इसका होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक है, ए छात्र का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, बी छात्र की बुद्धि एवं रुचि, सी छात्र की पारिवारिक स्थिति एवं स्मरण शक्ति और डी उक्त सभी। तो दोस्तों, इसका होगा डी उक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अधिगम के बंद सिद्धांत यानी बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक है, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, मास्लो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक होने वाली प्रतिक्रिया कहते हैं, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया, उपयुक्त दोनों में से कौन है? तो दोस्तों, इसका होगा संबंध प्रतिक्रिया। अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका, अभिप्रेरणा देना, प्रलोभन देना, नई शिक्षण तकनीक प्रस्तुत करना, कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका होगा ए अभिप्रेरणा देना। अधिगम निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता, आर्थिक स्थिति, आयु, परिपक्वता, पूर्व अनुभव, अभिप्रेरणा। दोस्तों, सही आंसर होगा आर्थिक स्थिति। प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक रूप में लाने में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ किया था, BF स्किनर, JL मोरेनो, विलियम वुंड, हर्बर्ट। दोस्तों, होगा विलियम वुंड। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है, प्रशंसा, पुरस्कार, नेतृत्व, लक्ष्य प्राप्ति, उत्कृष्ट शिक्षा। दोस्तों, ये होगा लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट शिक्षा। सीखना विकास की प्रक्रिया, ये शब्द किसके हैं, गेट्स वन्यों के, सिम्पसन के, वुडवर्थ के, मर्स लेके। तो दोस्तों, ये होगा वुडवर्थ के। अगला है, शिक्षक के पास अधिगम के जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें से प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये कथन किसका है, थॉर्नडाइक का, स्टीफेंस का, स्किनर का, मास्लो का। दोस्तों, ये क्वेश्चन है मास्लो का, ये सॉरी स्टीफेंस का। अगला क्वेश्चन, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन है चार्ल्स ई स्किनर का। दो स्किनर है, एक चार्ल्स ई स्किनर है, एक BF स्किनर है। यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों या सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होगा, ये किसने कहा? तो दोस्तों, ये कथन था रायबरन का। अधिगम है व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव द्वारा प्रशिक्षण परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा परिवर्तन, ऑप्शन सी। पावलाव के प्रयोग में घंटी बजने पर कुत्ते के लार आने की क्रिया क्या कहलाती है, स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, संबंध अनुक्रिया, संबंध होगा संबंध अनुक्रिया। अधिगम के बंद सिद्धांत का प्रतिपादक पहले बता दिया थॉर्नडाइक था। स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक संबंध प्रक्रिया, ये पहले आ गया संबंध प्रतिक्रिया होती है। अधिगम का सूचना प्रसंधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, दोस्तों ये सिद्धांत था कार्ल रॉजर्स का। उद्दीपक व अनुक्रिया में बंध स्थापित होना अधिगम, ये कदम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो दोस्तों ये प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक समय अनुक्रिया करना सीखना अधिगम, ये किस सिद्धांत पर, तो दोस्तों ये है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पर। पावलोव के संबंध अनुक्रिया सिद्धांत को स्पष्ट करने कौन सा रूप सही है, तो दोस्तों इसका एक नंबर सही है UCS बराबर UCR, CS प्लस UCS बराबर UCR और CS बराबर CR। अगला क्वेश्चन, कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया सिद्धांत दोस्तों वो है क्षेत्र सिद्धांत। फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं पावलोव।
अधिगम सिद्धांतों में उनके परिवर्तन का कौन सा युग्म संगत है? तो दोस्तों इसमें सूचना प्रसंधन तो सही है, संबंध प्रतिक्रिया भी सही है, क्रिया प्रसुद्ध भी सही है, लेकिन उद्दीपन अनुक्रिया कोल्डर का नहीं, बल्कि उद्दीपन अनुक्रिया किसका सिद्धांत है दोस्तों? थोरनडाइक का सिद्धांत है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों? इन्होंने किया था कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत मास्लो का, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थोरनडाइक का, संबंधवाद सिद्धांत थोरनडाइक का, सभी तो दोस्तों सभी है। अधिगम की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रारंभ करने से किसका है दोस्तों? इसका उत्तर होगा गेस्टाल्टवादियों को। निम्न में से ईएल थोरनडाइक का अधिगम का नियम नहीं है दोस्तों, ये है साहचर्य का नियम। अधिगम के इनसाइट थ्योरी के प्रतिपादक है वर्दिमर, कोफ का, कोलर, उपसवी, तो दोस्तों का उपसवी। तो दोस्तों ये है 15 क्वेश्चन जिसके अंदर कुछ परिभाषाएं, कुछ सिद्धांत और कुछ सिद्धांतों की चर्चा हुई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आएंगे और ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो और क्वेश्चन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। रीट से संबंधित हर प्रकार की वीडियो यहाँ पर अपलोड होती रहती है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।